Hey guys, Assalamualaikum, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं हूं रानिया। मैं हूं रोहन। और आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी कपल रिएक्शन। तो हम आ गए आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर। इस वीडियो का टाइटल है सीमा हैदर के बॉयफ्रेंड एक्सपोज। तो देखते हैं ये वीडियो कैसी होने वाली है। आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यस गाइस, उनके हस्बैंड का भी वीडियो है आगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं क्या क्या इनके मतलब जो पुराने करतूत है वो आप लोगों के सामने, यहाँ कारनामे और करतूत वो सामने लाने वाले। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम इसके, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आखिरकार सीमा हैदर के घर पे चल रहा तमाशा खत्म हो चुका है। सीमा हैदर ने अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए हैं मीडिया वालों के लिए, क्योंकि कल से सोशल मीडिया के ऊपर सीमा हैदर के पुराने बॉयफ्रेंड्स के वीडियोस और फोटोज वायरल हो चुके हैं। अभी भी अगर ये मीडिया वालों को अपने घर पर बुलाती तो मीडिया वाले से ये सवाल करते कि एजाज तेरे घर पे आकर क्या कर रहा था। जब इसका हस्बैंड सऊदी अरब में जॉब कर रहा था तो एजाज क्या इसके बच्चों को संभालने के लिए आ रहा था, और एक पाकिस्तानी लड़के के साथ भी इसके फोटोज और वीडियोस वायरल हो रहे। और यह है सीमा का शौहर गुलाम हैदर, ये अभी रो रहा है जब से इसको सीमा की हरकतों के बारे में पता चला है। हर महीना ये जितना भी कमाता था खुद के लिए कम खाता था, अपनी बीवी के लिए ज्यादा भेजता था। और जहाँ तक बीवी की बात है, बीवी बेबी सिटिंग करने के लिए एजाज को घर पे बुलाया करती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेचारा कितने प्यार से इसके बच्चों को संभाल रहा है। हो सकता है जब ये बेबी सिटिंग कर रहा हो तभी ये पबजी गेम खेल रही होंगी। जब ये पहली बार नेपाल में मिलने के लिए आई थी सचिन से, यहाँ पर आप देख सकते हैं रूम में ये लोग मिल रहे हैं। और इसके साथ इसके बच्चे भी नहीं आए थे। और इस ट्रिप का पूरा खर्चा कौन उठाए थे? इसका हस्बैंड उठाया था, ये गुलाम हैदर उठाया था। गुलाम हैदर से सीमा ने कहा था कि वो और घूमने के लिए जा रही है एक हफ्ते के लिए, तमाम बच्चों को अपने घर पर छोड़कर किसी आंटी के पास रखकर अपने बच्चों को ये चली गई थी। ये सोच रहा था कि इसकी बीवी चार बच्चों को संभाल कर थक गई है, इसी वजह से जान दो एंजॉय करने दो। लेकिन सीमा लाहौर नहीं गई थी बल्कि नेपाल पहुंच गई थी अपने बॉयफ्रेंड सचिन से मिलने के लिए गुलाम हैदर के पैसों पे, यानी कि अपने हस्बैंड के पैसे इस्तेमाल करते हुए। और ये सब किसके नाम पर हो रहा था? मोहब्बत के नाम पर हो रहा था। मोहब्बत भी तो कुछ होता है। मोहब्बत से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम में कोई जगह नहीं है मोहब्बत की। शादी हो गई हुई है, उसके चार बच्चे हैं, उसके बाद में ये मोहब्बत कर रहा है। ये बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? ये चार बच्चों का, चार दिन तो वो अच्छे से रखेगा। सीमा हैदर को लेकर काफी सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि वो लोग भी उसके बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। लेकिन सीमा हैदर ने भी एक रिप्लाई दिया है, मीडिया वालों के सामने तो ये आने से मना कर दी है, लेकिन खुद से एक वीडियो बनाया है। क्या वीडियो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हाँ, तो जैसे न्यू खबर चल रही है, बहुत बुरा भी लग रहा है और हैरत भी हो रही है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान से क्या कहा गया क्या नहीं कहा गया, कि मुझे, मैंने वो न्यूज़ नहीं सुनी। अफसोस भारत की न्यूज़ का हो रहा है। वो क्या क्या कह रहे हैं मेरे बारे में, मुझे हर तरह से गलती कहा जा रहा है, हर तरफ जासूस या एक गलत करेक्टर, हर मतलब बहुत बुरा लगा मुझे। मेरी ज़मीन को ढोल दिए इस पोचा कि इस तरह भी कोई कह सकते हैं। और जो जिस इजाज़ के बारे में मुझे इस तरह बताया जाता है, वो मेरे लिए भाई समान थे और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी बातें करते होंगे। इजाज जो मेरे लिए भाई समान थे, ये बातें पता नहीं क्यों की जा रही, मुझे नहीं पता, पर मैं उसके बारे में बताना चाहूँगी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि वो हसीना के बेटे थे, विनत के भाई हैं, मंदूर कलोड़ों के भांजे हैं, मेरे मालिक मकान के मतलब भांजे हैं। तो वो वहाँ पर जाते थे, हमारे अच्छे मतलब रिलेशन थे, पूरी फैमिली का वो मुझे रखते थे, क्योंकि मैं अकेली थी, फैमिली की तरह वो मुझे रखते थे कभी कभी। तो हमारी शादी में, एक बार शादी के हम शॉपिंग पर गए थे वहाँ बाज़ार में, उनके साथ में भी गई थी, तभी हमने एक वीडियो बनाई थी। एक दो वीडियो हमने और भी शादी में घर पे ही बनाई थी। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मेरा उससे कोई गलत रिलेशन था। बराए मेहरबानी प्लीज़, कोई भी गलत बात कहने से पहले पूरी बात को जान लें, फिर न्यूज़ में इस तरह चढ़ चढ़ के बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदारा आप इस लड़की से पीछे रहे, आप इसे नहीं जानते कि वो लड़की आपको धोखा दे चुकी हुई है। धोखा दे सर, मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये चार लड़के तो मुझे, मैंने अपनी कहानी पता है, मुझसे सॉरी सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया? बस इनके साथ गेम्स खेलती थी, इनके साथ सर जी गेम खेलती थी, क्योंकि कितनी दफा उनसे बातें करती ही पकड़ी गई है। आपने बता दिया कि इंडिया वो सिर्फ इस मकसद से नेपाल के थ्रू गई है इलीगल की मोहब्बत का ड्रामा करके शादी करके। पहले दुबई गई है, दुबई से पता है, वो तो पता सारी चीज बता दी, लेकिन जो जाने का मकसद है वो सिर्फ वर्ल्ड कप देखने, वो सिर्फ वर्ल्ड कप है, उसे क्या कहूँ इतनी। वो सीमा के ऊपर मुख्तलिफ एलिगेशन लग रहे थे। सीमा बता रही है कि ये इसके मकानदार का बेटा है। क्या आपको इसकी बात
में सच्चाई दिख रही है या फिर ये झूठ बोल रही है। तो गाइस आगे वीडियो देखो और भी है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये सीमा का शोर है, गुलाम हैदर ये खाने काबा पहुंच चुका है, दुआ मांग रहा है। उर्दू में यहाँ पर दुआ भी लिखी है, ये दुआ मांग रहा है कि अल्लाह करे मेरे बच्चे और मेरी घरवाली वापस आ जाए। ये सऊदी अरब गया इस वजह से था कि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए और अपने बीवी बच्चों को भेजे। जिनके लिए ये कमा रहा था वही लोग इसे छोड़कर जा चुके हैं, इसी वजह से ये रो रहा है। और बच्चों की जाने की बात सुनकर ये ऐसा लग रहा है कि ये अपनी दिल पर ले लिया है कि इस तरह से पार्क में जाकर खुद ही झूला झूल रहा है। लेकिन जहाँ तक सीमा हैदर की बात है, सीमा हैदर के लिए खतरा पैदा हो चुका है। सीमा हैदर अभी अंडरग्राउंड हो चुकी है। नेपाल की होटल में जब ये सचिन से मिली थी, तमाम के तमाम वो वीडियोस इसने सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिए। और अर्नब गोस्वामी के एक चैनल ने सीमा हैदर के खिलाफ न्यूज चला दी थी, जिसमें वो बता रहे थे कि एजाज सीमा हैदर का क्या लगता है। करने वाला हूं पाकिस्तानी सीमा के कितने आशिक, अगर सीमा के कितने आशिक हैं। सीमा सचिन के साथ आज भारत में, इससे पहले सीमा एजाज के साथ भी थी। सीमा हैदर के कितने आशिक नामी ये सवाल करने पर सीमा हैदर को गुस्सा आ गया और उसने न्यूज चैनल को रिप्लाई दिया है। एक वीडियो मैं आर न्यूज वालों के लिए बनाऊंगी। जब से मैं देखती हूँ आर न्यूज, जब भी खोलती हूँ वो मेरे बारे में गलत और बुरी बात ही करते हैं। पहली बात तो जो होगा, जो सच होगा वो जरूर सामने आएगा। दूसरी बात, एजाज की बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मेरे हैदर पति जरूर थे, मेरी मोहब्बत सचिन है और सचिन ही रहेंगे। एजाज मेरे भाई सम्मान था। आर न्यूज वाले को मैं यही कहूंगी, मुझे नाम अनुसार का पता नहीं, कि अगर तुम्हारी बहन तुम्हारे साथ फोटो खिंचवाए और कोई दुनिया वाले उसको गलत कहें, क्या आप उसको मान लोगे? क्या वो सच होगा? वो मेरे भाई सम्मान था। हाँ, मैं उसके साथ 3 वीडियो बनाई थी साथ बैठे हुए, और सचिन के साथ वीडियो, उसके साथ वीडियो बनाई हुई, रील बनाई हुई, में जमीन और आसमान का फर्क है। तो मैं उनको यही कहूंगी, इंसान इंसानियत की नज़र से देखें, ठीक है, जो जासूस हूँ या नहीं वो कानून कर रहा है, उनको कोई हक नहीं पहुंचता किसी की आत्मा। और जब इससे रिपोर्टर ने सवाल किया था कि कलमा सुनाओ, तब ये कलमा नहीं सुना पाई थी, उस रिपोर्टर को भी इसने जवाब दिया है। खाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? उससे पूछ रही है, सुना दूं। कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो। सुना जी, सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। यहाँ पर तो ये पहले सॉरी कह रही थी, भूल गई कह रही थी, लेकिन अब इसकी बात सुनिए। रही बात इस्लाम की, और सब चीज़ें मुझे पता है, पैगंबरों के बारे में, नबियों के बारे में, नमाज के बारे में, रमज़ान के बारे में सब पता है मुझे, पर मैं कहती नहीं क्योंकि मैं हिंदू धर्म में आ चुकी हूँ, यही रीज़न है, मैं कुछ नहीं कह रही। जब तो इनके दूसरे हस्बैंड सचिन ने भी कहा था कि पढ़ दो कलमा, लेकिन फिर भी ये नाकाम रही थी। और एक बड़ी तादाद में नौजवान सीमा और सचिन के वीडियोस देखना चाहते हैं, जिसके लिए इन लोगों ने यूट्यूब चैनल भी खोला है। फिर बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे। सचिन की तनख्वाह तो सिर्फ 13,000 रुपए है और इसके बच्चे स्कूल ही जाएंगे तो 15,000 का बिल बनेगा। तो सीमा हैदर ने एक प्लान बनाया कि यूट्यूब चैनल खोलूंगी, लेकिन सीमा हैदर के नाम से हजारों लोग यूट्यूब चैनल ऑलरेडी खोल चुके हैं। सीमा के नाम से कल किसी ने फेसबुक का पेज बनाया था, एक ही दिन में 5,00,000 फॉलोअर्स बन गए। किसी ने इसके नाम से नकली इंस्टाग्राम की आईडी बना ली, एक ही दिन में 2,00,000 फॉलोअर्स। मतलब कि एक बड़ी तादाद में नौजवान सीमा और सचिन के वीडियोस देखना चाहते हैं। और जहां तक पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान से काफी सारी से धमकियां मिल रही थी और इसी के चलते ये अभी अंडरग्राउंड हो चुकी है। नमस्कार, हमने यूट्यूब का चैनल बनाया है आज, तो बहुत लोगों ने हमारे नाम से चैनल बना रखे हैं। जो मेरा यूट्यूब का चैनल है वो मेरे इस अकाउंट में लिंक है, सबसे रिक्वेस्ट है फॉलो कर दें ताकि हमारी थोड़ी हेल्प हो सके, और सॉरी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी थोड़ी हेल्प हो सके, धन्यवाद। पहले तो गुलाम हैदर महीना होती है इसके अकाउंट में पैसे डाला करता था, लेकिन अब सीमा यूट्यूब के वीडियोस बनाएगी, यूट्यूब से पैसा कमाएगी और सचिन का घर चलाएगी। बिजनेस प्रमोशन के लिए हमारी दी गई आईडी के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना। तो गाइस ये था वीडियो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था। पहले तो इनके बॉयफ्रेंड, इतने सारे बॉयफ्रेंड थे जो कि बता रहे हैं वहाँ के भाई, और हर लड़के से बात करती थी, तो जो भी सच्चाई है वो तो पता चल ही जाएगा, लोगों तक आ जाएगा। और जब लोग बोल रहे हैं इतना आके, ठीक है, वो लड़के ने बोला और कि एक लड़का बोले तो समझ आता है ना, इसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड आके बोल रहे हैं, और जब ये अपने हस्बैंड को 4 बच्चे होने के बाद छोड़ के आ गई है, तो इसको फिर ये बोल रही है कि मेरे को रिस्पेक्ट दो, तो इसकी हरकतों की वजह से कौन इसको रिस्पेक्ट देगा? और ये ना जानबूझ के एक ना ये बहुत बड़ा गेम खेल रही है, हिंदू 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 करके बार बार अपने वीडियो में ले रही है, बार बार शुद्ध हिंदी जो होता है ना, नमस्कार बोल रही है,
ठीक है, ऐसा ये जानबूझ के अट्रैक्ट करने के लिए बोल रही ताकि लोग मेरे को सपोर्ट करें, लोग मेरे वीडियो देखें और मैं इंडिया में ही रहूं। तो भाई ये तो अब पता नहीं कि क्या है, जो भी जासूस एजेंसी है उनके हाथों में है, कोर्ट के हाथों में कि इनको क्या करना है। और ये जो इंसानियत की बात बोल रही है, एक बाप को अपने चारों बच्चों से अलग कर लेना बिना बताए और छीन लेना, कंट्री लेके आ जाना, ठीक है, वो बच्चे हैं और वो बाप का उन पे हक है, तुम कौन होते हो यार उसको अपने बाप से अलग। जब वही तो, जब तुम इंसानियत दिखाए नहीं एक मर्द के साथ, ठीक है, और फिर तुम बोल रहे हो कि मेरे लिए इंसानियत दिखाओ, और बेचारे उसका क्या हाल होगा, वो अपने बच्चे को मिस नहीं कर रहा होगा, वो तो कर रहा होगा ना, तो तब तुम्हारी इंसानियत कहां गई थी उस आदमी के लिए। सो गाइस ये था वीडियो, आप क्या सोचते हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड लव यू गाइस।